प्रदेश में चल रही सियासी उठापटक के बीच भारतीय ट्राइबल पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष परेश भाई बसावा ने बड़ा बयान दिया है। डूंगरपुर में प्रेस वार्ता कर परेश भाई बसावा ने गहलोत सरकार को समर्थन देने की बात कही है। बसावा ने कहा कि बीटीपी राजस्थान में जनादेश से बनी गहलोत सरकार को गिराना नहीं चाहती है, साथ ही बीच सत्र में गलत तरीके से सरकार को तोड़ने वाले लोगों का भी कभी समर्थन नहीं करेगी। बीटीपी चाहती है कि जनता द्वारा चुनी गई गहलोत सरकार अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करे। बसावा ने दावा किया कि भारतीय ट्राइबल पार्टी के दोनों विधायक पार्टी आलाकमान के संपर्क में हैं और पार्टी की राष्ट्रीय व प्रदेश कार्यकारिणी द्वारा लिए गए निर्णयों पर चलेंगे। आज हम कहना चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर जनजाति परामर्शदात्री समिति का अध्यक्ष जनजाति मंत्री होता था, लेकिन आज जनजाति मंत्री न होकर के ये पद मुख्यमंत्री के हाथ है, इसलिए जनजाति मंत्री को ही टीएससी का अध्यक्ष बनाने जाने की पहली मांग। नंबर दो, महाराष्ट्र पैटर्न को लागू किया जाए, और दूसरी है आदिवासियों में विकास के लिए स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों आधार पर योजनाएं बनाई जानी चाहिए, ये हम सरकार से मांग करते हैं। ये हमारे मुद्दों को पूरी तरह से देखा जाए। ऐसे तो जो संविधान ने जिसने मैंडेट दिया है राजस्थान 8 करोड़ पब्लिक में सरकार चलाने के लिए, वो सरकार संविधानिक रूप से चलना चाहिए, नहीं के बीच में तोड़ना चाहिए। जो ऐसा परिबड़े जो काम कर रहे अभी, तो हमको सरकार बचाना है। 5 साल सरकार को मैंडेट दिया है, वो 5 साल पूरी तरह चले, ऐसे हमें बीटीपी पार्टी जो हमारे 2 विधायक है तो 5 साल चले, इसीलिए उसको मैंडेट दिया। तो जो सरकार है, जो अभी भी है, अभी भी जिसके पास मैंडेट है, आप जानते हैं कौन से पास है, तो उसको हम हमारा समर्थन है अभी तक। लेकिन ऐसा उसके पास तो बहुमत है, हमारे कोई जरूरत पड़े ऐसे हमको अभी फिलहाल यही तारीख में हमको लगता नहीं है।